नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और ये फैसला इतना ज्यादा आप कह लीजिए कि बेकार था। बेकार मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि सुनकर आपको भी हैरानी होगी कि बॉम्बे हाई कोर्ट इस तरह का फैसला सुना सकती है। दरअसल एक मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक शख्स को बरी किया था और उस शख्स पर आरोप लगा था एक बच्ची से शारीरिक शोषण का, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसे सिर्फ इसलिए बरी कर दिया था क्योंकि बच्चे के साथ उस शख्स ने सीधा तौर पर शारीरिक संबंध नहीं बनाया था। और इसी पर टिप्पणी करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट को रेप नहीं माना जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट, फिर उसके जज कितना पढ़ लिख कर वो वहां पर पहुंचे होंगे, लेकिन आप फिर बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, फिर आप बात करते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है, महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उनको रोकना है, और फिर बॉम्बे हाई कोर्ट इस तरह का फैसला सुनाती है। हालांकि फिर सभी को जैसे कि उम्मीद थी उच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी है और पुख्ता जानकारी और विस्तृत जानकारी इस पूरे मामले में मांगी है कि किस बिहाफ पर आपने ये फैसला सुनाया और ये टिप्पणी की। आपको याद होगा बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब ये फैसला सुनाया था उस वक्त रितेश देशमुख ने भी एक ट्वीट किया था और उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का ये फैसला, इसका जो स्क्रीनशॉट था इसको साझा किया था और लिखा था कि प्लीज कोई मुझे बताए कि ये फेक न्यूज है क्योंकि मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता। और रितेश देशमुख के ही उस ट्वीट पर बहुत सारे कमेंट्स आए थे जिनमें लोगों ने लिखा था कि बॉम्बे हाई कोर्ट के जजेस ये फैसला सुना सकते हैं, हम उम्मीद नहीं कर सकते। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि ये फैसला उस वक्त आया था जब देश में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जा रहा था। तो आप सोच सकते हैं कि उस दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि जब तक डायरेक्टली स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट अगर किसी का हो रहा है तो उसे रेप नहीं माना जाएगा, बशर्ते जो आरोपी है उसने कपड़े ना उतारे हो। मतलब इसको विस्तृत तौर पर आपको बताने में हमें हिचक हो रही है और बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया था और उस शख्स को बरी कर दिया था जिसके ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस फैसले पर रोक लगाई है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की तारीफ और उसके इस फैसले की तारीफ हर जगह हो रही है। ये जो स्किन टू स्किन, ये जो पूरा मामला था स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, इस फैसले पर बॉम्बे हाई कोर्ट की जो टिप्पणी थी उस पर और फिर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है और उसने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं।